लोकसभा चुनाव 2024 का डंका इस वक्त हर दिशा, हर राज्य और देखा जाए तो हर घर में बज रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व देश की उन्नति का एक नया दौर रचने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं लोकसभा की लड़ाई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण में मतदानों का दौर जारी रहा। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई, जिसमें अधिकतर लोगों ने हिस्सा लेकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपना योगदान दिया। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ता पजामा और भगवा जैकेट पहने हुए निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने पहुंचे, जिनके साथ के लिए अमित शाह और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ मतदान करने पहुंचे। इस दौरान वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री ने बच्चों के हाथों पर ऑटोग्राफ भी दिया, लोगों के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई, साथ ही लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील भी की। आइए आपको बताते हैं वोटिंग के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह ने मीडिया से रूबरू होकर के क्या कहा। भाई, इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, हमारे देश में दान का एक महत्वय है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। लगातार लोकतंत्र के महापर्व के बीच जहां 10 राज्य जिसमें गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और बिहार में तीसरे चरण में मतदान के प्रति लोगों का उत्साह देखा गया, तो वहीं कुछ कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी देखा गया। मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल के शहर मालदा की, जहां पर महिलाओं ने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, साथ ही महिलाओं ने मतदान केंद्र के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए, चुनाव के माहौल के बीच जहां पर चुनावी पार्टी, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अदर पार्टी, अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रख रही, लेकिन लोकतंत्र के चर्चा के बीच मतदान को लेकर, चुनावी पार्टी को लेकर के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा भावी नेता हो, मतलब उसमें ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि जैसे हम यूथ है, हमारी डिमांड तो यही है कि हमें रोजगार चाहिए हुए है, और हमारे को कई साले हो गई है तैयारी करते हुए और बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, तो बस हम ये चाहते हैं कि बस मतलब रोजगार मिले, रोजगार भी लोगों को प्राप्त हो। जैसे हिमाचल में बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है, बस इसको मतलब मेन मुद्दा तो बेरोजगारी ही है, तो बस बेरोजगारी को कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले। मैं काफ़ी एक्साइटेड है हम जो वोट डालेंगे। सो जैन में सर जो रोजगार देगा युवाओं के लिए, हम युवा हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारे लिए जो बंदा रोजगार देगा हमारे लिए, हम उसी को वोट करेंगे। जो भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो मतलब हमारे लिए करेगा हम उसके लिए
वोट देंगे। एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि हमारे जो इसी से ही हमारा देश चलता है, तो इसके पहले तो हमारी यूथ की तो यही होती है कि हमें रोज़गार मिले, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये हो गया है प्रिपरेशंस करते हुए, और जो भी यूथ के लिए और भी एग्रीकल्चर, जैसे हम किसान के इससे भी आते हैं, मेरे फादर फार्मर है, तो हम उनके लिए भी करेंगे कि उनके लिए भी अच्छे से अच्छी स्कीमें निकाली जाए, तो क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो इस हिसाब से कुछ उनके लिए भी निकाली जाए। तो लोकसभा की लड़ाई के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमने बात की लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी चुनावी चर्चा से जुड़ी कुछ खास अपडेट के साथ। तब तक लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।